हाय फ्रेंड्स, रिट्राई बीडीए में फिर जो आपको एक बार स्वागत है। आज हम BS6 का एक गाड़ी का प्रॉब्लम लेके बात करेंगे और उसको सॉल्व भी करके देखेंगे। इसमें क्या होता है कि डिस्प्ले में कुछ लिखा आता है, टॉर्क रिडक्शन इन 25 आवर्स 43 मिनट। ये लिखा का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये लिखा तभी दिखाता है जब SCR सिस्टम में आपका कुछ भी प्रॉब्लम आएगा तो ये चीज़ दिखाता है। इसका मतलब है कि इतना घंटा और इतना मिनट होने के बाद गाड़ी का टॉर्क घट जाएगा, स्पीड भी उसके साथ साथ स्पीड भी घट जाएगा, एक्सलेटर पेडल काम नहीं करेगा। ये गाड़ी में जो आज हम देखेंगे इसमें ये लिखा आ रहा है, लेकिन इसका स्पीड टॉर्क कुछ भी नहीं घटा, खाली खाली ये एरर मैसेज दिखाता है। इसका घटेगा तभी जब 25 घंटा और 43 मिनट पार करने के बाद गाड़ी चलाएगा, तब ये चीज़ आएगा। चलिए इसको स्टार्ट करके देखते हैं। तो ये हम स्टार्ट करके देख रहा है, ये देखिए अभी भी ये दिखा रहा। तो इसका प्रॉब्लम क्या है वो हम देखेंगे, डायग्नोसिस करेंगे। देखिए हम RPM कर रहा, इधर MIL बत्ती जला हुआ है। स्टार्ट करने के बाद ये देखिए RPM तो फुल हो रहा है। अभी इसका दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन ये बाद में प्रॉब्लम करेगा। तो पहले से इसको दिखा लिया ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना होगा। तो ये देखिए हम स्कैनर टूल्स लगा के रखा है, ये इसका ये गाड़ी का स्कैनर टूल्स है, वो भी डिस्कोपेट में लगा दिया हम। तो आज लगा के हम चेक करेंगे इसका पहले ड्यूटी कोड क्या है, उसके बाद वही ड्यूटी कोड को पकड़ के हम काम करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या DTC दिखाता है इसमें। तो ये हम लैपटॉप से इसको कनेक्ट कर लिया है, तो हम इसको पहले से हम इसका सॉफ्टवेयर ऑन करके रखा, हम शुरुआत से इसको दिखाते हैं। तो चलिए इसको बैक कर लेते हैं। ये देखिए, तो ये उस सॉफ्टवेयर का खोलने के बाद ये फर्स्ट इंटरफेस है। तो यहाँ पर हम E474E3666 इसका इंजन है। तो इस चीज़ को हम क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आप जॉब कार्ड नंबर, जो गाड़ी का प्रॉब्लम हो उस जॉब कार्ड नंबर देके आप सर्च करेगा तो सारी डिटेल्स आ जाएगा। तो मेरे पास अभी तक जॉब कार्ड नंबर नहीं आया है, इसीलिए दूसरा कोई गाड़ी का हम खोल के हम डायग्नोसिस कर रहा। सेम इंजन होगा तो खोल जाएगा। और DTC भी देखिए, ये देखिए रीड DTC कोड में जाने के बाद ये देखिए, ये इसका DTC कोड क्या आ रहा कि यूरिया प्रेशर नॉट स्टेबलाइजिंग, मतलब यूरिया प्रेशर नहीं बढ़ रहा, प्रेशर नहीं बन रहा, इसीलिए वो मैसेज दिखा रहा है। यहाँ पर ट्रबल शूटिंग है, इसमें क्या क्या दिक्कत होगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सब सारी कुछ यहाँ पर दे सकते हैं। और उसके क्या क्या कैसे सॉल्यूशन करना है उसका सारी कुछ स्टेप यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ट्रबल शूटिंग में क्लिक करने के बाद आपका सारा कुछ यहाँ पर दिखाई देगा। चलिए देखते हैं ये क्लिक किया, देखिए इफेक्ट ऑन व्हीकल, गाड़ी के ऊपर क्या असर करेगा, MIL ऑन रहेगा, इम्प्रॉपर डोजिंग नहीं होगा, पुअर नॉक्स इफिशेंसी बहुत कम होगा। और इसका वजह क्या है, कॉजेस से देखिए, वायरिंग हार्नेस में प्रॉब्लम, शॉर्ट सर्किट में हो सकता है, पंप भी खराब हो सकता है, डोजिंग कंट्रोल यूनिट वो भी खराब हो सकता है। और ये रिमेडीज एक्शन है, मतलब क्या क्या चेक करना पड़ेगा। तो फास्टली इसमें स्टार्ट करने के बाद ये देखिए यहाँ पर और भी डिटेल्स जा सकते हैं, वो क्या प्रॉब्लम है तो उसको हम देखना नहीं है, क्योंकि AW प्रेशर नहीं बन रहा ना। तो पहले हम उसको उसका फिल्टर चेक करेंगे। ऐसे तो हमने वायरिंग चेक कर लिया, कुछ ऐसा कुछ मेरे को नहीं मिला, सप्लाई भी देख लिया, सप्लाई वोल्टेज सब बराबर है। तो इसको पहले हम DTC क्लियर करके देखेंगे कि DTC जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो चलिए हम क्लियर कर दिया है, रिफ्रेश करते हैं, वो DTC चला गया है। बैक करके हम सही में उसका प्रेशर बन रहा है कि नहीं बन रहा वो चेक करेंगे। तो इस ऑप्शन में हम चेक नहीं कर सकते, दूसरा ऑप्शन में मेरे को जाके चेक करना पड़ेगा। ये देखिए DCU BS6 डेल्फी, इस ऑप्शन में मेरे को जाना पड़ेगा। यहाँ पर रीड DTC करने के बाद यहाँ पर भी एक DTC कोड दिखा दिया, देखिए DCU डोजिंग पम्प शॉर्ट सर्किट, पम्प के अंदर कुछ शॉर्ट सर्किट है, ये कोड दिखा रहा।
चलिए इसको क्लियर करके देखते हैं, और क्लियर करने के बाद ये कोड जा रहा है कि नहीं जा रहा वो भी हम लोग देखेंगे। चला गया, रिफ्रेश कर रहा, कुछ नहीं आ रहा। अभी इसका सही में प्रेशर बन रहा है कि नहीं बन रहा हम देखेंगे। एडवांस डायग्नोसिस, वहाँ पर जाने के टेस्ट और ऑपरेशन ऑप्शन में जाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए ये सारे कुछ ऑप्शन दिया हो, तो पहले हम पंप का स्पीड चेक कर लेते हैं। स्टार्ट स्टार्ट करने का, तो नीचे देखिए यूरिया पंप मोटर स्पीड यहाँ पर 1506 मतलब बराबर है। फिर से एक बार दिखाते हैं, पंप का स्पीड होना चाहिए ऊपर में देखिए लिखा हुआ 1450 से 1550, तो यहाँ पर 1400-1500 से ऊपर जा रहा है मतलब बराबर है। बैक कर लेते हैं, उसके बाद फीलिंग टेस्ट, उसके बाद सारे कुछ यहाँ पर। तो हम नीचे चलते हैं कि यूरिया पंप प्रेशर टेस्ट कर लेते हैं। तो इसमें देखिए ये इसका प्री कंडीशन है, जब ये कंडीशन मीट करेगा तभी हम वो प्रेशर चेक कर पाएंगे। उसके बाद कंटिन्यू में क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद फिर से कंटिन्यू, फिर स्टार्ट, उसके बाद प्रेशर कितना हो रहा कि नहीं हो रहा यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए इसका प्रेशर नीचे दिखा रहा, उसका करंट प्रेशर है ऊपर में मतलब इतना होना चाहिए 5000 से 6000। तो यहाँ पर देखिए 87 mbar हो रहा मतलब बहुत ही कम है, जहाँ पर 5000 से 6000 होना चाहिए वहाँ पर खाली 74-84 समथिंग आ रहा, मतलब प्रेशर नहीं बन रहा, यही इसका प्रॉब्लम है। इसीलिए वो कोड दिखाता है और एरर मैसेज दिखाता है डिस्प्ले में। तो उसमें और ज़्यादा कुछ मेरे को चेक करना भी नहीं है, तो चलिए हम पहले इसको पाम को खोलते हैं और उसका फ़िल्टर का कंडीशन देखते हैं, और देखने के बाद पता चल जाएगा इसका कंडीशन क्या है। इसमें क्या होता है कि इस गाड़ी में एडब्लू टैंक का नीचे पंप लगा हुआ रहता है, यही इसका एडब्लू पंप है। ये नीचे जो दिखाई दे रहा यही इसका एडब्लू पंप है, और एक कपलर लगा हुआ है, सक्शन और रिटर्न एक ही कपलर एक ही पाइप में इसका काम होता है, मतलब वही सक्शन वही रिटर्न, और एक कपलर लगा हुआ है मेन सप्लाई लाइन का। तो इसको पहले खोलते हैं, खोलने के बाद देखेंगे इसका फ़िल्टर का कंडीशन, ऐसा कुछ डैमेज दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहे वो हम चेक करेंगे। तो पहले इसका एडब्लू पहले हम ड्रेन कर लेते हैं, क्योंकि ये हम डायरेक्ट खोल देगा तो टैंकी में जितना एडब्लू है सब गिर जाएगा, तो पहले हम इसको ड्रेन कर लेंगे, उसके बाद हम खोलेंगे। ऊपर में जो दिखाई दे रहा ये इसका लॉक नट है, मतलब यही लॉक प्लेट है जो एडब्लू पंप को पकड़ के रखा है। पहले हम ड्रेन कर लेते हैं, गाड़ी का पाम का अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो इसमें रिपेयर वाली कोई बात नहीं है, और कंपनी का तरफ से ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन भी नहीं है कि रिपेयर होगा या रिपेयर कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। खाली मेरे को एक ही चीज़ चेक करना होगा कि एडब्लू फिल्टर का कंडीशन क्या है, बस यही। और इंटरनली और इंटरनल तो नहीं, मतलब बाहर से इसका कोई डैमेज डैमेज होगा तो वो सब मेरे को चेक करना पड़ेगा। उसके बाद अगर चेक करने के बाद अगर फिल्टर सही रहेगा तो मेरे को नया पंप डालना पड़ेगा। तो चलिए इसको पाइप हम खोल दिया, इसका कपलर है थोड़ा टाइट रहता है लेकिन आराम से इसका लॉक दबाएगा तो खुल जाएगा। ये एंटी क्लॉकवाइज मतलब नट की तरफ है इसका लॉक, नट बायां तरफ घुमाएंगे तो खुल जाएगा। ये देखिए खोलने के बाद थोड़ा थोड़ा एड ब्लू गिरा, क्योंकि नीचे में जो थोड़ा बहुत एड ब्लू रहता है वो गिरेगा, अचानक खोल देने से गिर जाएगा बहुत ही एड ब्लू, बहुत ज़्यादा नहीं रहता, वही लमसम हाफ लीटर समथिंग इतना कुछ रहता है, क्योंकि पूरा एड ब्लू हम ड्रेन कर लिया, नीचे थोड़ा बहुत रहता है वही चीज़ गिर रहा है। तो इसको हम गिरने नहीं दिया, बल्टी को हम लगा दिया इसमें। खोलने का टाइम थोड़ा ध्यान देना होगा, नहीं तो पाम के ऊपर डैमेज आ जाएगा।
ये देखिए, ये वाला जो फिल्टर लगा हुआ कुछ दिन पहले लगाया था, ये मॉडिफाइड फिल्टर है। पहले फिल्टर में दिक्कत आ रहा था, ये जो है ये नया मॉडिफाइड फिल्टर है। तो इसमें फिल्टर में चूक कुछ है भी नहीं है, फिल्टर बराबर ओके है। तो हम लोग ये देखिए इसका फिल्टर का कंडीशन। तो ये फिल्टर हम और नया फिल्टर डाल के भी कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि फिल्टर का कंडीशन ओके है। तो इसको ये देखिए, सब कुछ तो बराबर ही दिखा रहा है, इसमें कुछ डैमेज होने का निशान भी नहीं है। ठीक है सर, तो इसको क्या करते हैं कि नया एक्को एडब्लू पाम हम लगा के देखते हैं कि प्रेशर बन रहा है कि नहीं बन रहा। उसके बाद हम डिस्प्ले में देखेंगे कि वो मैसेज गया कि नहीं गया, वो लिखा आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो भी हम लोग चेक करेंगे। ये देखिए मेरा एड ब्लू पाम नया मेरे को मिल गया है। तो ये एड ब्लू पाम लगा के हम चेक करेंगे कि प्रेशर बन रहा है कि नहीं बन रहा। ब्रांड न्यू एड ब्लू पाम है, ये नया मॉडिफाइड फिल्टर लगा हुआ है। तो पहले जैसे करके खोला था वैसे करके इसको लगा दिया, ठीक है। इसका कनेक्शन पहले हम लगा लेते हैं, इसका कैप निकाल लेते हैं। कपलर भी लगा दिया, उसके बाद ये पाइप। ये मेरा लगाने का काम पूरा कंप्लीट हो गया। अभी हम चेक करके देखेंगे डायग्नोस्टिक टूल्स में कि मेरा प्रेशर बन रहा है कि नया नहीं बन रहा नया एड ब्लू पाम में। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या हो रहा कि नहीं हो रहा। मैं डीटीसी चेक कर लिया, डीटीसी कुछ है नहीं पहले से, हम क्योंकि हम इसको क्लियर कर दिया इसलिए डीटीसी नहीं दिखा रहा। और दूसरी बात है, ये मेरा नया एड ब्लू पंप है, इसमें तो कुछ दिक्कत है नहीं। तो ये देखिए फिर से टेस्ट एंड ऑपरेशन में जाना पड़ेगा। डायरेक्ट हम एक बार पंप का स्पीड चेक कर लेते हैं, इसमें इसमें भी बराबर रहेगा। ये देखिए नीचे इसका करंट पंप का स्पीड है, बराबर है। उसके बाद बैक कर लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट हम चलते हैं एड ब्लू पंप प्रेशर। ये देखिए यूरिया पंप प्रेशर टेस्ट का ऑप्शन है, इसी ऑप्शन में मेरे को जाना पड़ेगा। तो इसको हम क्लिक करते हैं। ये देखिए बाया में जो दिखा रहा हरा में जो क्लिक किया हुआ वो प्री कंडीशन है। जब ये प्री कंडीशन मीट होगा तभी आप इसको चेक कर पाएगा। तो ये देखिए मेरा पंप का प्रेशर ऊपर में जो दिखा रहा वो 5000 से 6000 होना चाहिए प्रेशर। अभी देखिए ये प्रेशर नीचे बन रहा, देखिए 1700 2500, ये देखिए 5000 से ऊपर हो गया मेरा प्रेशर, मतलब ये प्रेशर बन रहा। इसका मतलब यही हुआ कि जो पुराना वाला पंप था उसमें कुछ फॉल्ट है, इंटरनली कुछ फॉल्ट है जो इसीलिए प्रेशर नहीं बना रहा। तो इसमें नया एड ब्लू पम्प लगाने के बाद वो प्रेशर पूरा मेरा बिल्ड हो रहा। तो फिर से हम देख लेते हैं कि कुछ डीटीसी आया कि नहीं। ये पहले का डीटीसी कोड था, ये देखिए इनएक्टिव और लैंप ऑम्प लैंप ऑफ। तो इसको क्लियर कर लेते हैं।
क्लियर कर लिया। अभी हम गाड़ी को स्टार्ट कर रहे हैं, ये देखिए पीछे वो एरर मैसेज जो नहीं दिखा रहा, सब कुछ चला गया, जो एम आई बत्ती जल रहा वो भी चला गया, और ये देखिए डिस्प्ले में कुछ दिखा नहीं। स्टार्ट करते आता है, अगर पुराना वाला एड ब्लू पम्प लगा हुआ रहता तो तुरंत आ जाता। देखेंगे कि डोजिंग हो रहा कि नहीं। पीछे हम लैपटॉप कनेक्ट किया है, कनेक्ट करके कुछ पैरामीटर सेट करेंगे, उसके बाद रूट में हम चेक करेंगे। कनेक्ट हो गया मेरा, उसके बाद कुछ पैरामीटर सेट करके मेरे को रूट ट्रायल में जाना पड़ेगा, लाइव पैरामीटर में जाना पड़ेगा वो पैरामीटर सेट करने के लिए। यहाँ पर लिखना होगा क्या क्या चेक करने, पहले इंजन स्पीड ले लेते हैं, इंजन स्पीड हो गया, उसके बाद कूलेंट का टेम्परेचर लेंगे। यहाँ पर कूलेंट सर्च करेगा तो उसका ऑप्शन आ जाएगा, ये देखिए आ गया कूलेंट टेम्परेचर। यूरिया फ्लोरेट और यूरिया रेट भी मान, तो इसी ऑप्शन में आपको समझ में आ जाएगा कि डोजिंग हो रहा है कि नहीं। इसमें अगर डोजिंग होगा तो उसमें वैल्यू दिखाएगा, अगर नहीं डोजिंग होगा तो कुछ नहीं। यहाँ पर पाम का